नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति कृष्ण में। आज हम आपको ब्लाउज का डीप नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। यह हमारा ब्लाउज का अस्तर है और ये कपड़ा है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच तैयारी रखना है, हमने 14 इंच पे लिए हैं। ये फालतू कपड़ा सिलाई में जाएगा। शोल्डर 5.5 इंच है, आर्म होल 5.5 इंच है। 32 साइज का ब्लाउज बनाना है। चौथाई भाग हम 8 इंच लिए हैं। अब हमें गले का निशान लगाना है, यहाँ 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। गले की गहराई 11 इंच है, यहाँ पर भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। इस तरह से लकीर खींच लेना है। अब हमें गले का निशान लगाना है। ये हमने इस तरह से गले का निशान लगा लिए हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये निशान लगा हुआ है, इसको इस तरह से हमें फिर निशान लगा लेना है। ये इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसे हमें कपड़े पे सिलाई कर लेना है। इस तरह से रखेंगे, ये सीधा साइड है। अब इस निशान पे हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब ये बीच के कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये साइड से कटिंग कर देंगे। ये हमने गले के साइड से कटिंग कर दिए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये अस्तर की साइड हमें किनारे पे सिलाई करना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस गले के किनारे पे सिलाई करेंगे। अब इस अस्तर के चारों साइड हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने अस्तर के चारों साइड इस तरह से सिलाई कर लिया। अब नीचे से मोड़ देंगे इस कपड़े को। ये हमने इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। अब इसमें इस तरह से हमें डिजाइन डालना है, तो इसके लिए हमें पहले निशान लगा लेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे। इस कपड़े को इस तरह रखेंगे, इस पे इस चौक से हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। इसी तरह से दो डिजाइन हम काट लेंगे, दोनों पर, दोनों साइड का। दोनों डिजाइन कट कर लिए हैं, साथ में अस्तर भी हमने कट कर लिए हैं। अब इसे सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमने दोनों पल्ले को इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। अब इसमें हमें पाइपिंग लगाना है। तो ये हमारा पाइपिंग का कपड़ा है। इस साइड से हमें पाइपिंग लगाना है। इसको इस तरह से रखेंगे। ये ऊपर वाला जो कपड़ा है, इसे थोड़ा सा खींचते हुए हमें सिलाई करना है।
इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस पाइपिंग के किनारे पे सिलाई करेंगे। ये हमने पाइपिंग लगा ली है, अब इसमें लैस लगाएंगे। तो ये लैस है, ये डबल लैस लगाना है। तो फिर इस तरह से रखते हुए हमें लैस लगा लेना है। इसी तरह हमें दूसरे पट्टी भी तैयार कर लेना है। ये हमने इस तरह से पट्टी तैयार कर ली है, अब इसे सेट करेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरह से लगा लिया है, इसी तरह दूसरे साइड भी लगा लेना है। ये हमने दोनों पट्टी इस तरह से तैयार कर ली है लगा के। अब इस गले पे हमें लैस लगाना है। तो ये लैस है, ये हमने इस तरह से लैस लगा ली है। इसमें इसी गले की साइड से हमें डबल लैस लगा लेना है। इसको इस तरह हमें रखना है। ये लैस लगा के हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसके बीच में हमें डिजाइन बनाना है। तो इसके लिए ये कपड़ा है, 1 इंच चौड़ाई है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम मोड़ के कटिंग कर लेंगे। ये 1-1 इंच का है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस किनारे पे हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह से लगाएंगे जैसे अंदर में डोरी चला जाए। दूसरी डोरी भी इस तरह से हम लगा लेंगे। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी लगा लेना है। ये पट्टी इस तरह से हमने लगा ली है, अब इसमें डोरी लगा लेनी है। ये डोरी है, इसको इस तरह से लगानी है क्रॉस में। पिन के सहायता से हम इसे लगा लेंगे। ये डोरी हमने इस तरीके से लगा लिए हैं। ये डिजाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिजाइन आपको कैसा लगा, और डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।